वीडियो शुरू होने से पहले सबसे पहले ये देखो आप इस गोली बच्ची को अगर ऐसे बनाओगे, उसको मैं कितना भी स्क्वीज कर लूँ, उसमें तेल देखो कितना कम एब्जॉर्ब हुआ है ना, बहुत कम तेल। जब आप घर पे बनाते हो तो तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। ये गलतियाँ नहीं होंगी, और हाँ, शेप भी और टेक्सचर भी एकदम बढ़िया आएगा। दोस्तों, आपने गोली बच्ची की तो वैसे काफ़ी रेसिपीज देखी होंगी मैसूर भोंडे की, लेकिन मेन बात पता क्या होती है? मेन बात ये होती है कि गोली बच्ची के अंदर का टेक्सचर एकदम सही आना चाहिए, बाहर से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से ये देखो बिल्कुल हवादार स्पॉन्जी स्पॉन्जी टेक्सचर। ये देखो, मैं उसको दबा के दिखाता हूँ, है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया। आप इस गोली बच्ची की रेसिपी को, यानी कि मैसूर भोंडे की रेसिपी को नारियल की चटनी के साथ बना कर देखना, आपकी शाम बहुत बढ़िया जाएगी। चाय के साथ तो ये अल्टीमेट लगता है दोस्तों, इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। दोस्तों, गोली बच्ची जब भी घर पे बनाई जाती है तो बिल्कुल वो बाजार जैसी राउंड राउंड नहीं बन पाती। ऑब्वियसली वो बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम डेली तो बनाते नहीं है, लेकिन हम काफी हद तक उसको अचीव कर सकते हैं। आप ये वीडियो देखना, मैंने इसमें कोशिश करी है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं मैसूर भोंडा बनाने के, और ताकि आप इसको घर में आराम से बना पाओ और बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आए। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, गोली भज्जी बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक कप मैदा चाहिए। एक कप मैदे के साथ साथ मैंने यहाँ पर 1/4 कप तक चावल का आटा लिया है। क्वांटिटी दोस्तों यहाँ पर बहुत ध्यान देना, क्वांटिटी सही होनी चाहिए। चावल का आटा यहाँ पर क्रिस्पीनेस देगा और मैदा यहाँ पर टेक्सचर देगा, ये बात का ध्यान आप बिल्कुल रखना। टेक्सचर यहाँ पर एक और चीज देती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दही। लेकिन दही डालने से पहले हम थोड़ी सी चीजें डाल देते हैं, जैसे कि कड़ी पत्ता, मैंने यहाँ पर चॉप करके डाला है 5 से 6 कड़ी पत्ता। और आप बिना कड़ी पत्ता ये रेसिपी इनकम्प्लीट हो जाएगी, तो जरूर लेकर आना, बिना उसके मत बनाना। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर हींग डाली है, हींग के साथ साथ फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च, कटी हुई हरी मिर्चें 2 से 3 काफी होंगी, 1.5 इंच तक ये अदरक है एकदम फाइनली चॉप। और हाँ, गोले के बिना, यानी कि नारियल के बिना, फ्रेश एकदम नारियल के बिना गोली भज्जी इनकम्प्लीट है। दोस्तों, वैसे तो मैंने गोली भज्जी फर्स्ट टाइम कर्नाटका यानी कि बैंगलोर में खाई थी, और बैंगलोर में जीरे का इस्तेमाल भी होता है और वो भी काफी अच्छा लगता है, तो आप चाहो तो आप वो भी डाल सकते हो। मैंने इसमें फ्रेश कटा हुआ धनिया भी डाला है क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया लगता है फ्रेशली कटा हुआ धनिया, आपके पास हो तो आप जरूर डालना। इसमें लिक्विड वाली चीजें या वो चीजें जो पानी ज्यादा रिटेन करती है उन्हें नहीं डाला जाता, क्योंकि क्या होगा जैसे हम फ्राई करेंगे हीट उन पे लगेगी तो ये अंदर ही पानी छोड़ देगी और अंदर की जो हवा बनेगी यानी कि जो टेक्सचर बनेगा बेकिंग सोडा से वो आएगा ही नहीं। जैसे प्याज है, प्याज के पानी की वजह से ही वो बैठ जाएगा, इसलिए लिक्विडी चीजें नहीं डाली जाती। खैर, नमक डालना बिल्कुल मत भूलना। और अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, दही की। दही कितनी डालनी है? दही अगर ज्यादा हो गई तो ये बैटर बहुत लही हो जाएगा, आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, मेरी कैलकुलेशन ये है कि दही आपको उतनी डालनी चाहिए कि जितने की आपने मैदा इस्तेमाल किया है इस रेसिपी में। तो मैंने 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया है, तो मैंने एग्जैक्ट 1 कप दही डाली है। थोड़ा अगर आपको लगता है कि ये गाढ़ा गाढ़ा हो तो आप डालने को थोड़ा सा 1-2 चम्मच और डाल सकते हो, लेकिन ज्यादा दही मत डालना। बहुत ज्यादा दही से भी गोली भज्जी बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो है गोली भज्जी बनाते हुए, वो ये है कि आपको इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। हम क्या करते हैं कि घर में इसको इंस्टेंट बनाने के चक्कर में इसको अच्छे से फेंटते नहीं है, ग्लूटेन डेवलप नहीं होता, हवा रुक ही नहीं पाएगी, तो गोली भज्जी सही कैसे बनेगी, है ना। फेंटने के बहुत बेनिफिट्स है दोस्तों, अच्छे से फेंटने की वजह से और रेस्ट करने की वजह से इसमें हवा अच्छे से रिटेन होगी, इसके जो बाहर की सरफेस है क्रिस्पीनेस है वो ज्यादा बेटर निकल कर आएगी। अगर सही से फिटा नहीं होगा तो ये तेल भी ज्यादा पिएंगे, तो सही से फिटा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप ये देखना कि जैसे आटे में लचक आती है ना, बिल्कुल इसको फेंटने से भी मैदे में भी लचक आएगी, और आप देखना राउंड ऐसे ही बनेंगे, एकदम सही गोली भज्जी तभी बनेंगे। तो आप इसको अच्छे से फेंटना, आप ये देखो कैसा गाढ़ा सा बैटर था पहले और अब ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हल्का सा लिक्विडी सा बैटर हो रहा है, ऐसे ही हमें चाहिए दोस्तों। 10 मिनट तो मिनिमम घड़ी से देखकर आपको फेंटना ही पड़ेगा, उसके बिना मजा नहीं आएगा। और हाँ, एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, डायरेक्शन चेंज मत कर देना, नहीं तो हवा ही निकल जाएगी इसकी। तो अब आपने इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ना है मिनिमम एक घंटे तो छोड़ना ही है। मैंने तो इसको एक्चुअल में वीडियो बनाते हुए 2 से 2.5 घंटे तो छोड़ा ही था एक गर्म जगह पर, ताकि हल्की सी फर्मेंटेशन भी हो जाए, इसमें दही भी है। मिनिमम 1 घंटे के लिए आप इसको जरूर छोड़ना, 1 घंटा मिनिमम है, तभी बढ़िया रिजल्ट आएगा। जब तक हम अपनी नारियल की चटनी बना लेते हैं, जिसको सच में बनाना बहुत ही सिंपल है।
मैंने यहाँ पर एक कप नारियल लिया है, एकदम फ्रेश नारियल। उसमें मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तक भुनी हुई चना दाल डाली है। चना दाल के साथ साथ आप यहाँ पर 2 हरी मिर्च डाली है थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए, और नमक जरूर डालना। बस आपने थोड़ा सा पानी डालना है पहले, और इसको पहले गट्टी चटनी जैसे पीस लेते हैं, यानी कि एक गाढ़ी चटनी जैसे पीस लेते हैं। अब आपके ऊपर है, आपको गट्टी चटनी पसंद है कि आपको लिक्विडी पसंद है। मुझे थोड़ी सी लिक्विडी पसंद है, तो मैं इसमें और पानी डालकर इसको एकदम फाइन पेस्ट बना लूंगा। ये सब चीज़ें आपके ऊपर है। हाँ, लेकिन इसमें एक एडिशन जरूर करेंगे, वो है धनिया का। मैंने इस चटनी में स्पेशल धनिया डाला है, धनिया की स्टेम्स भी है साथ में। अब इसको भी एकदम फाइनली ग्राइंड कर लेना, और सच में आप चटनी का फ्लेवर देखना, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है चटनी का। आप ऐसे इसको बना कर देखना। तो चटनी को ट्रांसफर कर लेते हैं अपने बोल में। आप चाहो तो आप इसको और भी पतली कर सकते हो, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। मैं इसको ऐसे ही रखने वाला हूँ। तो फटाफट से इस चटनी के ऊपर एक तड़का भी डाल देते हैं। तो मैंने अपने तड़के पैन में सबसे पहले थोड़ा सा तेल डाला है। जब आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए, एकदम गर्म तेल में ही आपने यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स डालने हैं, फिर आप चने की दाल, उड़द की दाल डालना, और यहाँ पर गैस को बंद कर देना। अब मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और करी पत्ता भी डाल दिया है, और इसको हल्का सा गैस बंद करके ही गर्म गर्म तेल में आप रोस्ट करना। दाल आपको लगेगा कि थोड़ी ज़्यादा डार्क हो गई है, बट एक्चुअल में नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने गैस बंद कर दिया है ना, तो तेल अपने आप ही सेट हो जाएगा। और अब बस आपने हमारी चटनी के ऊपर ये तड़के को डालना है, और सच में ये चटनी का फ्लेवर बहुत इन्हांस करते हैं। दोस्तों, आप ये धनिया वाली नारियल की चटनी ज़रूर बना कर देखें। अच्छा, फटाफट से गोली भज्जी के बैटर पर आते हैं। बैटर हमारा आप देखो और भी सेट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर बैटर से ही फ्राई करके मैं आपको एक बारी गोली भज्जी दिखाऊं, तो आप ये देखो इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं आएगी। चाहे हमने कितना भी फेटा हो, कितना भी रेस्ट करा हो, इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप ये देखो, ये गोल भी नहीं बन पाई, फूलना तो बिल्कुल दूर की बात है। आप ये देखो, ये तो तेल में डूबा हुआ है, ऊपर ही नहीं आ रहा, क्योंकि हवा ही नहीं है इसमें। इसकी चोच भी ज्यादा निकली है। और जब मैं आपको काट के दिखाऊं, जो हमने चावल का आटा डाला है, मैदा डाला है, उसने टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं दिया। तो यहाँ पर हवा डालने के लिए इसमें आपको एक थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना ही पड़ेगा। ध्यान रहे, बेकिंग सोडा ही डालना है, इनो और बेकिंग पाउडर नहीं, सिर्फ मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। 1/2 टीस्पून यहाँ पर काफी होगा, उतना ही इतने बैटर में बहुत अच्छी हवा दे देगा। आप इसको भी अच्छे से फेंट लेना। एक चीज और करी जाती है, ये है कि जो गरम गरम तेल होता है ना, उसको भी थोड़ा सा पोर किया जाता है। ये करने से बैटर की विस्कोसिटी ही चेंज हो जाती है, बिल्कुल आप उसको ज्यादा हैंडल कर पाओगे, ज्यादा कंट्रोल में रहेगा, उसका टेक्सचर ही अलग होना शुरू हो जाता है। बस अब सीधा ही गरम गरम तेल में आपने गोली भज्जी डालनी है। एक आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट और दिखाता हूं। अभी तेल का टेम्परेचर काफी गर्म है, लगभग 195 के आसपास। अगर मैं आपको एक गोली भज्जी डाल के भी दिखाऊं ना, आप देखना इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये देखो, कम हो गया है ना। यही कॉन्सेप्ट पे हमें चलना है। गोली भज्जी को हमें फ्राई करना है मीडियम लो फ्लेम पर, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे सारी फ्राइंग, तो ये अंदर तक बिल्कुल नहीं पकेंगे, सिर्फ बाहर की सरफेस पक पाएगी। बस अब ये देखो, मैंने गैस को मीडियम लो पे कर दिया है, और तेल शुरुआत में गरम गरम होना चाहिए। गरम गरम तेल होने से भज्जी ज्यादा अच्छे से फूलेगी, क्योंकि हीट ज्यादा होगी ना, तो भज्जी सही से फूल पाएगी। और ज्यादा डालेंगे तो टेम्परेचर अपने आप ही ड्रॉप हो जाएगा, जिस वजह से एकदम अंदर तक गोली भज्जी अच्छे से पक पाएगी। तो अब ये देखो, मेरे ड्रॉप करने की टेक्निक देखो, मैं तेल के एकदम पास लेकर जा रहा हूँ, और फिर ऐसे ड्रॉप कर रहा हूँ, मतलब अपनी उंगलियों को क्लोज कर रहा हूँ थंब के साथ, एकदम पास ले जाके तेल से। घबराना मत, यहाँ पर हाथ नहीं जलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपके हाथ में बैटर लगा हुआ है ना, तो हाथ जलने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन आपको एकदम तेल के पास ले जाकर ही ड्रॉप करना है, तभी वो गोल शेप आएगी। अब मैं तो सुपर प्रोफेशनल नहीं हूँ, उतना मैं डेली मैसूर भोंडा बनाता हूँ, इसलिए मेरी सारी शेप तो परफेक्ट नहीं आई। आप देख सकते हो कि इस टेक्निक से काफी सही भी आई है। तो मेरी तरह अगर आप डेली नहीं बनाते, लेकिन तब भी आपकी काफी हद तक गोल शेप जरूर आ जाएगी। तो दोस्तों, आपने एकदम मीडियम लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक, या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाते। बढ़िया है ना दोस्तों। आप देखो, मैंने दूसरा लॉट भी ऐसे ही पकाया है, एकदम तेल के पास जाके ही आपने ड्रॉप करना है, उससे ही आपकी गोली भज्जी की शेप बिल्कुल सही आएगी। दूसरे लॉट को भी आप ऐसे फ्राई कर देना, बीच बीच में आप स्टर जरूर करना, नहीं तो दोनों साइड से अच्छे से पक नहीं पाएंगे। आप ये देखो, सुपर क्रिस्पी है ना। मेन बात होती है अंदर का टेक्सचर। रुको, मैं आपको एक बारी काट के दिखाता हूँ, आपको एक काट के भी दिखाता हूँ। इसके अंदर का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल ब्रेड टाइप टेक्सचर है, ऐसा ही टेक्सचर होना चाहिए। ये देखो, चाहे मैं इसको अपने हाथों से तोड़ू, एक स्प्रिंगीनेस है, मतलब इसको हल्का से खींचो तो आप ये देखो, हल्की सी रेजिस्टेंस है।
यही एक अच्छी गोली भज्जी की निशानी होती है। सुपर एयर पॉकेट्स नहीं है इसमें, एकदम बैलेंस हवा है, यही बात मेरे को अच्छी लगती। और गरम गरम खाओगे तो एकदम क्रिस्पी तो होंगे ही दोस्तों। आप इनको बना कर देखना, आपको सच में बहुत पसंद आएंगे, बहुत टेस्टी होते हैं।